हेलो दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों के लिए सील डिवाइन थ्रोन का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आप में से कई सारे लोग लगातार मुझसे बैटल थ्रू द हेवन के बारे में भी पूछ रहे थे, जिसकी अपडेट देते हुए मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट एपिसोड 30 जून को आएगा, क्योंकि स्टूडियो ने बैटल थ्रू द हेवन का सस्पेंस बढ़ाने के लिए उसके 2 एपिसोड को डिले कर दिया। लेकिन फिक्र मत करो, ज्यादा देर आप लोगों को इंतजार नहीं करना होगा। तो जैसा की पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन ने कैरन के साथ मिलकर होली गार्ड नंबर 10 को भी अचीव कर लिया था, जिसका नाम विंड असैसिन है। हाउचिन के दोस्तों ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन उन लोगों को बताता है कि अभी हमें और कुछ गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बाहर का सफर काफी जरा खतरों से भरा होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी दोस्त को दोबारा से चोट लगे, जिसके लिए हाउचिन होली गार्ड नंबर 9 को भी अचीव करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 10, 11 और 12 हाउचिन को बताते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉप 9 गार्ड्स काफी जरा खतरनाक है। हाउचिन, जब तक तुम अपने लेवल 8 तक ना पहुंच जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसका ट्रायल देना चाहिए। पर दूसरी तरफ हाउचिन उन लोगों को मना करते हुए फिर भी ट्रायल देने के लिए रवाना हो चुका था, जहां पर ट्रायल शुरू होते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन का सामना यहां पर होली गार्ड नंबर 9 से हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियसली एक साइकोपैथ की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे कि उसे खून की तलब हो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे सिपाही मारे जा चुके थे और इनमें से एक वॉरियर हमारा सुप्रीम आर्थ मैजिशियन था, जो कि अब तक इलेक्ट्रोलक्स का होली गार्ड नहीं बना। ये उस दौर से पहले की कहानी है, जहाँ सुप्रीम आर्थ मैजिशियन को वो सारी बातें याद आ रही थी, जैसे कि लोग उसे बुरा भला बोलते थे, लोगों ने सुप्रीम आर्थ मैजिशियन के लिए क्या कुछ नहीं बोला, वो लोग उससे डरते हुए कहते हैं कि इसकी आंखें इतनी ज्यादा खतरनाक, ऐसा लगता है जैसे कि ये तुम्हारी रूह को देखते हुए तुम्हारी बॉडी से उसे निकाल लेगा। साथ ही कुछ लोग तो सुप्रीम आर्थ मैजिशियन की फेस को अगली बोल रहे थे, वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम कितने ज़रा बदसूरत हो, जो कि हर वक्त स्टैचूज बनाते रहते हो, तुम्हारे स्टैचूज तुम्हारी तरह ही क्रीपी होते हैं। जबकि साथ ही कुछ लोग तो कहते हैं कि पता नहीं ये मॉन्स्टर आखिर कब मरेगा, यानी कि कोई भी इंसान सुप्रीम आर्थ मैजिशियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो सब लोग ही उससे नफरत करते थे। हालांकि उस बेचारे ने तो उनका कुछ भी बुरा नहीं किया था। सुप्रीम आर्थ मैजिशियन जब यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो वो खुद से कहता है कि क्या ये मौत है, मैंने सोचा नहीं था कि मौत इतनी ज़रा खूबसूरत होगी, मुझे इसे महसूस करके अच्छा लग रहा है, चलो आखिरकार वक्त आ गया कि मैं इस बदसूरत दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। ये सब वो कह ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स आ जाता है, जिसकी सोल को देखते साथ ही सुप्रीम आर्थ मैजिशियन तो हैरान हो गया। वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की एंटिटी है जिसकी सोल कितनी ज़रा ब्राइट है, आज तक मैंने इतनी ज़रा खूबसूरत सोल कभी नहीं देखी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसका एक स्टैचू क्रिएट कर सकूं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो वहां पर इसीलिए आया हुआ था ताकि वो अपने लिए कुछ नए सोल्जर्स को ढूंढ सके, इसीलिए वो सबसे पहले उसे लाशों के बीच में से निकालते हुए अपना होली गार्ड बना लेता है। ये वही दिन था जिसके बाद से सुप्रीम आर्थ मैजिशियन ने अपने दिलो जान से गॉड इलेक्ट्रोलक्स को अपना मास्टर समझ लिया, लेकिन वो अभी भी इस बात का अफसोस करता है कि वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था, जिसके बारे में वो यहाँ पर हाउचिन से भी सवाल करते हुए पूछता है कि लड़के, क्या तुम गॉड इलेक्ट्रोलक्स को अच्छे से जानते थे, क्या तुम उसे अच्छे से समझ पाए थे? जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक मैं गॉड इलेक्ट्रोलक्स को अच्छे से नहीं समझ पाया, मैं अभी उस रास्ते पर चलते हुए उसे समझने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि सुप्रीम आर्थ मैजिशियन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को जगड़ लिया, साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है, फिर तुमने उसकी इनहेरिटेंस क्यों ली, अगर तुम गॉड इलेक्ट्रोलक्स को नहीं जानते और उसको नहीं समझते, फिर तुम्हें ये इनहेरिटेंस लेने का भी कोई हक नहीं। दूसरी तरफ हाउचिन यहाँ पर खुद से कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा, अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो मैं इस ट्रायल को पार कैसे करूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम आर्थ मैजिशियन ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन की सोल में झांकना शुरू कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम आर्थ मैजिशियन को मालूम हो जाता है कि कैसे बचपन से लेकर अब तक हाउचिन की कई सारी लोगों ने मदद करी। हाउचिन को गॉडेस ऑफ लाइट ने अपनी सोर्ड और साथ ही साथ गॉडेस ऑफ नेचर ने अपनी पावर्स दी थी। इसके अलावा उसका पेडेस्ट्रियल आर्मर या फिर सोर्ड ऑफ मिरेकल सब कुछ किसी और का दिया हुआ है। ये सब जानकर तो यहाँ सुप्रीम आर्थ मैजिशियन को और भी जरा गुस्सा आ गया। वो हाउचिन से कहता है कि मैं तुम्हारी सोल में जानकर देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ लोगों के दम पर जीते हुए आ रहे हो, बताओ मुझे कि तुम में आखिर क्या ऐसा खास है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कि ट्रूली तुम्हें बिलोंग करता हो। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियाओवन हाउचिन की सोल में आकर उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें होली गार्ड नंबर 9 से जरा बचकर रहना होगा, क्योंकि पास्ट में ये सारी दुनिया उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाती रहती थी, इसी वजह से सुप्रीम आर्थ मैजिशियन सारी दुनिया से नफरत करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि सुप्रीम आर्थ मैजिशियन ने उनका सोल लिंक तोड़ दिया, साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता
लगता है कि ये बहुत बुरी बात है, जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। हॉकिंस सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर मैं नहीं जानता कि आखिर आप ये सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ट्रायल देने के लिए आया हुआ था और मुझे वो स्टार्ट करना होगा। जो सुनकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन कहता है कि तुम यहाँ पर ट्रायल देना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अभी एहसास करा ही देता हूँ कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। ये कहते साथ ही अचानक ही सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने वो सारी की सारी जगह ट्रांसफॉर्म कर दी। साथ ही साथ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने अचानक वहाँ पर कुछ एनर्जी अनलीश कर दी जिससे टकराकर हॉकिंस पीछे की तरफ आ गिरा। वो खुद से कहता है कि ये तो डेथ ब्रेथ थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसने मेरे अंदर मौजूद लाइट एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां वो हॉकिंस पर बड़े बड़े चट्टाने गिराना शुरू हो गया। हॉकिंस बहुत ही मुश्किल के साथ उसके अटैक्स को डॉज करता जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो खुद से कहता है कि ये बहुत ज्यादा हैरानगी वाली बात है। किसी भी मैजिशियन को अपना अटैक चलने के लिए किसी न किसी स्पेल को चैंट करना होता है, लेकिन ये सुप्रीम अर्थ मैजिशियन तो किसी भी स्पेल को नहीं चैंट कर रहा, ये सिर्फ अपने हाथों के इशारों से अटैक जनरेट कर पा रहा है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। हॉकिंस को यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तकड़ मिल रही थी, वो लगातार चट्टानों से टकराता जा रहा था, उससे बचने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसलिए हॉकिंस अपने मन में सोचता है कि जितने भी मैजिशियन होते हैं उन्हें वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए क्लोज रेंज फाइट करने नहीं आती, मुझे कुछ भी करके सुप्रीम अर्थ मैजिशियन के पास जाना होगा जिसके बाद ही मेरी जीतने का कोई चांस क्रिएट हो सकता है। यहाँ ये सोचते हुए हॉकिंस ने तेजी के साथ जंप करते हुए सुप्रीम अर्थ मैजिशियन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ वो लगातार अभी भी हॉकिंस पर अटैक चल रहा था और हॉकिंस उन अटैक से टकराता और पीछे की तरफ हिट हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि हॉकिंस ने हवा में आते साथ ही अपने डबल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से अर्थ सुप्रीम मैजिशियन पर हमला कर दिया। जो अटैक तो हॉकिंस का वैसे काफी ज्यादा डेंजरस था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को यह अटैक ब्लॉक करने में जरा से भी डिफिकल्टी नहीं होती, बल्कि वो अपने सामने एक बैरियर बनाते हुए आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका। साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सक्सेसर बनने के काबिल नहीं हो। जो कहते हुए सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने वहां पर फौरन से स्पिरिचुअल लाइट नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉकिंस पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें भागते हुए हॉकिंस डॉज करने लगा। साथ ही सर हॉकिंस अपने मन में कह रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, ये सुप्रीम अर्थ मैजिशियन तो मुझे अपने ज्यादा पास आने नहीं दे रहा और अगर मैं इसके पास नहीं गया तो मैं इसे हरा भी नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इन अटैक्स की वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा धुआं हो चुका था जिसका इस्तेमाल करते हुए हॉकिंस ने सुप्रीम अर्थ मैजिशियन पर कई सारे अटैक्स चल दिए थे। वो जब इन अटैक्स से बचने में बिजी था तभी अचानक हम देखते हैं कि हॉकिंस ने फौरन से अपने होली फर्नेस चेंज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को जकड़ लिया, जिससे वो तेजी के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि वाओ तुमने काफी अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन अफसोस की बात है मैं एक जीनियस मैजिशियन हूँ, मुझे क्लोज रेंज में फाइट करने आता है। ये कहते साथ ही उसने फौरन से वहां पर अपने दो वेपन समन कर लिए जिनमें से एक तो क्लियर स्काई हैमर था और दूसरी एक सोर्ड थी। वो इन्हीं दोनों वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए क्लोज रेंज फाइट में हॉकिंस पर हमला करने शुरू हो गया, जहां पर वो लगातार हंसते हुए बार बार अपने हैमर को घुमाते हुए हॉकिंस पर हमले करता जाता और उसका हर एक हमला ही हॉकिंस को डैमेज देता जा रहा था। हॉकिंस उन सारे अटैक्स को झेलने के बावजूद भी खड़ा रहा, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन हंसते हुए कहता है कि मुझे ये देखने में मजा आएगा कि आखिर तुम मेरे कितने अटैक्स को झेलते हो। लेकिन साथ ही साथ वो हॉकिंस को एक बार फिर से अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए हिट करके जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो हॉकिंस से कह रहा था कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हार मान लो। जो सुनकर हॉकिंस भी अपनी जगह पर खड़े होकर हिम्मत करते हुए कहता है कि चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और ये कहते हुए हॉकिंस भी अब सीरियस हो चुका था क्योंकि उसकी काफी धुलाई हो गई। हम देखते हैं कि हॉकिंस ने फौरन यहाँ पर अपने ब्लड असुरा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर तो सुप्रीम अर्थ मैजिशियन भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया। साथ ही वो कहता है यानी कि अब तक तुम अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट नहीं कर रहे थे, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। जो कहते हुए सुप्रीम मैजिशियन ने फौरन से अपने हैमर को जमीन पर मारते हुए वहां पर फोर टाइप अर्थ डिवाइन टेक्निक को क्रिएट कर लिया था। दूसरी तरफ हॉकिंस भी उसका सामना करने के लिए अपने जजमेंट ऑफ ग्लोरी सन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर इन दोनों के ये डिवाइन अटैक तेजी के साथ जाते हुए सिरे जाकर एक दूसरे से टकरा गए। ये दोनों अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया जो कि हॉकिंस के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। जबकि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को भी इसकी वजह से चोट लग चुकी थी, वो यहाँ पर हॉकिंस की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो लेकिन अभी भी अगर तुम मुझे हराना चाहो तो तुम्हें 100 साल तक लगातार कड़ी कल्टीवेशन करनी होगी। यहाँ वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट कर नीचे गिर गया, जो देखकर तो सुप्रीम अर्थ मैजिशियन फौरन से अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि उसके मुंह पर कई सारे स्कार्स लगे हुए थे और इन्हीं स्कार्स की वजह से सब लोग उसे बदसूरत बोलते थे। जबकि साथ ही साथ वो खुद भी यहाँ हॉकिंस के पास आ गया था, वो उसके सोल में झांकते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारी सोल में और क्या कुछ है। यहाँ ये कहते हुए सुप्रीम अर्थ मैजिशियन जैसे ही हॉकिंस की सोल को देखता है वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी थी, जो देखकर
तो वो भी सरप्राइज होती हुई कहता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज़रा कम है, लेकिन आखिर तुम्हारी बॉडी में इतनी सारा लाइट एनर्जी कैसे। साथ ही साथ उसने हाउचिन की सारी मेमोरीज भी देख ली थी कि कैसे बचपन से लेकर अब तक हाउचिन सब लोगों को बचाने के लिए फाइट करता रहा। हाउचिन अपने सीनियर्स को प्राउड कराना चाहता है, जिनमें उसके फादर और उसके टीचर्स आते हैं, और उन्हीं को प्राउड कराने के लिए हाउचिन ने ऐसी जंगें लड़ी जो कि उसकी थी भी नहीं। जो सब जानकर तो सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को अब हाउचिन थोड़ा बहुत अच्छे लगने लगा। वो उसकी अच्छाई से इंप्रेस हो चुका था, इसलिए इस वक्त वो हाउचिन पर हमला नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन बेहोशी की हालत में से जैसे ही होश में आया, सबसे पहले उसे लगता है कि शायद वो वापस से अपने ओडिन माउंटेन टाउन में पहुंच चुका है। लेकिन थोड़ा गौर करने पर उसे जानने को मिलता है कि नहीं, वो अपने ओडिन टाउन नहीं पहुंचा, बल्कि उसके सामने कई सारे स्टैचू से उसका टाउन बनाया गया था, जो कि असल में किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने किया था, जो कि अपने स्टैचू कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन की मेमोरी से उसके टाउन को क्रिएट कर चुका है। साथ ही उसने भी हाउचिन को दोबारा से होश में आते हुए देख लिया था, इसलिए वो फौरन से फाइट करने के लिए दोबारा खड़ा हो चुका, जहां हाउचिन उससे कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपके मास्क पर हमला करते हुए उसे तोड़ दूं। जिस पर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि मैं बदसूरत हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं अपने लिए अच्छे से अच्छा मास्क क्यों ना क्रिएट कर लूं, लेकिन मैं अपने इस बदसूरत चेहरे को कभी नहीं बदल पाऊंगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूं। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी बदसूरत नहीं, और वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आज से पहले मैंने कभी स्टैचूज को इतने गौर से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए ये स्टैचूज काफी कमाल के हैं, ये इतने ज्यादा स्पेशल और रियल जैसे दिखते हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से अपने ओडिन टाउन पहुंच चुका हूँ। हाउचिन की ये सारी बातें सुनकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को गॉड इलेक्ट्रोलक्स की बातें याद आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सवाल किया था कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तब के टाइम आपने मेरी जान क्यों बचाई थी। जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि बदसूरत नहीं, ये बिल्कुल भी बदसूरत नहीं, और जहाँ तक तुम्हारी आंखें और तुम्हारे काम की बात है तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज कई सालों बाद यही सेम बातें सुप्रीम अर्थ मैजिशियन को किसी और ने नहीं बल्कि हाउचिन ने बोली। हाउचिन तो साथ ही साथ यहाँ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन से कह रहा था कि तुम्हारे ये बनाए हुए कार्विंग स्टैचूज, मैं नहीं जानता कि इन्हें तुमने कैसे बनाया, लेकिन इनमें अभी भी वो सारी आवाजें कैद है, वो ओडिन विलेज में मौजूद मेरे दोस्तों की हंसी, मेरी माँ की कहानियां सुनाने वाली वो आवाजें, ये सब इतने सालों बाद दोबारा से महसूस करके आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट मेमोरीज को इतने अच्छे तरीके से कार्व कर लिया, तुम्हारी ये स्टैचूज बनाने वाली स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है। जो सारी बातें सुनकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन अभी भी गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें मेरे सामने साबित करना होगा कि तुम गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सक्सेसर बनने के काबिल हो, तुम्हें अपनी रियल ताकत मुझे दिखानी होगी। जो सुनकर तो हाउचिन भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने फौरन से यहाँ चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिसे हाउचिन तेजी के साथ साइड पर जंप करते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उसने अपनी डबल सोर्स को निकालते हुए तेजी के साथ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन पर हमला करने शुरू कर दिए थे, जहाँ क्लोज रेंज में आने की वजह से हम देखते हैं कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन भी एक बार फिर से अपना स्काई ब्रेकिंग हैमर बाहर निकाल चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए हाउचिन का बिल्कुल बराबरी के साथ मुकाबला कर रहा था। हाउचिन को उसके साथ फाइट करने में अभी भी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन हाउचिन उसके फाइटिंग पैटर्न को सीखने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि सुप्रीम अर्थ मैजिशियन तेजी के साथ पीछे की तरफ आते हुए हंसकर कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आया, लेकिन मेरे पास अभी भी कई सारे स्पेशल टेक्निक्स है जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये कहते साथ ही सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने एक बार फिर से अपने स्काई ब्रेकिंग हैमर को तेजी के साथ गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन तो मुस्कुराते हुए इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन से अपने डिवाइन स्लैश का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन के हाथ पर हमला कर दिया, जिस स्लैश से तगड़ाकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन के हाथ से उसका स्काई ब्रेकिंग हैमर छूट जाता है। ये देखकर तो वो काफी जरा हैरान हो गया कि आखिर इस लड़के को मेरी कमजोरी कैसे मालूम हो गई। वो हाउचिन से सवाल करते हुए कहता है कि इससे पहले कि मैं अपने अटैक को जनरेट कर पाता, तुमने अचानक मेरे हैमर पर हमला क्यों किया। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं पिछली फाइट आपके साथ लड़ रहा था तो मैंने एक बात नोटिस की कि जब भी आप कोई बड़ा अटैक चलने वाले होते हैं तब उससे पहले आप अपने हैमर को तेजी के साथ गोल घुमाते थे, क्योंकि आप एक मैजिशियन है, आपको किसी तरह का स्पेल तो कास्ट करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जब भी आप अपने हैमर को तेजी के साथ गोल घुमाते हो तो ये एक स्पेल कास्ट करने के बराबर है, इसी वजह से मैंने किस्मत आजमाने के लिए आपके हैमर पर हमला किया। जो सुनकर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन अपने मन में कहता है कि इसने इतने कम वक्त में ही मेरी कमजोरी ढूंढ ली। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस लड़के का दिमाग काफी तेज है, इसलिए वो यहाँ पर हार मानते हुए कहता है कि ठीक है, तुमने ये ट्रायल पास कर लिया। जो सुनकर तो हाउचिन शोक होते हुए कहता है कि क्या मुझे आपको हराना नहीं होगा, अभी तक तो मैं आपको हरा भी नहीं पाया, फिर मैं इस ट्रायल को कैसे पास कर सकता हूँ। जिस पर सुप्रीम अर्थ मैजिशियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, इस ट्रायल को पास करने के लिए तुम्हें मुझे बस सिर्फ इम्प्रेस करना था, और इम्प्रेस मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारी बॉडी में मैंने काफी जरा लाइट
एनर्जी महसूस करी। हाँ बेशक वो लाइट एनर्जी बिल्कुल गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लाइट एनर्जी के बराबर तो नहीं थी, लेकिन मैंने नोट किया कि जैसे जैसे तुम फाइट करते हुए आगे बढ़ते रहो तुम्हारी ये लाइट भी पहले से ज्यादा चमकदार होती रहती है। इसी वजह से मैं इम्प्रेस हुआ और मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर चूज करता हूँ। जो कहते साथ ही सुप्रीम अर्थ मैजिशियन फौरन यहाँ हाउजिन के सामने झुक गया। साथ ही सर वो हाउजिन से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे मास्टर हो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, आज के बाद मेरी डेस्टिनी तुम्हारे हाथों में है। दूसरी तरफ बाहर हाउजिन के दोस्तों को भी मालूम हो चुका था कि हाउजिन ने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया, इसलिए वो खुश होते हुए फौरन से ट्रायल रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच गए, जहां पर वो हाउजिन को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही सर वो हाउजिन से कहते हैं कि हाउजिन तुमने होली गार्ड नंबर 9 को अचीव कर लिया, क्या तुम हमें उससे मिलवा सकते हो? जो सुनकर हाउजिन जवाब देते हुए कहता है कि हां बेशक, लेकिन अभी यहां पर नहीं, रास्ते में मैं तुम लोगों की उनसे मुलाकात करा दूंगा। फिलहाल हम लोगों का यहां से बाहर निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जल्द से जल्द एक्सोरसिज्म पास गेट तक पहुंचना होगा, और वैसे भी जब हम लोग रैल्म ऑफ डेथ से गुजरेंगे तो तुम लोगों की मुलाकात सुप्रीम अर्थ मैजिशियन से हो ही जाएगी। जिस पर तो कैरन भी हाउजिन के साथ बिल्कुल एग्री करती है और वो इन लोगों से कहती है फिर तो हमें जल्द से जल्द अपने सफर में रवाना होना होगा। यहां वो अभी ये कह ही रही थी तभी अचानक ज़ियाओवन वहां पर पहुंच गया, जो कि आते साथ ही हाउजिन से कहता है कि एक बुरी खबर है मास्टर, अगर एक बार आप लोग इटर्निटी टावर को छोड़कर बाहर निकल गए तो अगले कुछ दिनों तक आप लोग इटर्निटी टावर में वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ड्रीम पैराडाइज से लेकर अब तक आप लोगों ने इटर्निटी टावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और उसकी एनर्जी रिस्टोर होने के लिए इसे दोबारा से कुछ टाइम चाहिए। जो सुनकर हाउजिन जवाब देते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हाउजिन अपने सारे दोस्तों को लेकर आखिरकार इटर्निटी टावर से बाहर आ गया, जहां पर हाउजिन मैप को देखते हुए अपने दोस्तों को रियल्म ऑफ डेथ की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। हाउजिन उन्हें पहले ही बता चुका था कि वहां पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस फॉग होगी, इसलिए हो सकता है कि रियल्म ऑफ डेथ से गुजरने में हमें पूरा एक दिन गुजर जाए, लेकिन जब हम देखते हैं कि रियल्म ऑफ डेथ में ये लोग एक बार इंटर हो गए उसके बाद इन लोगों को पूरे 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक रियल्म ऑफ डेथ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया और ये उसके अंदर भटक चुके थे। साथ ही साथ 3 दिन से लगातार चलने की वजह से इन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। चेरी बेचारी तो तक हार कर कह रही थी कि अब मुझसे और चलने नहीं हो रहा, लेकिन हाउजिन इन लोगों को हिम्मत रखने के लिए बोलता है क्योंकि ये लोग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मान सकते। साथ ही साथ हाउजिन नोट करता है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउयुवी हाउजिन की बॉडी से बाहर निकल आता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो तेजी के साथ एक तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर तो हाउजिन भी हैरान होते हुए हाउयुवी को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउयुवी हाउजिन की कोई आवाज नहीं सुन रहा, जो बात हाउजिन को भी हैरान कर चुकी और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तेजी के साथ हाउयुवी को फॉलो करो, लगता है कि उसे कुछ सेंस हो चुका। दूसरी तरफ हाउयुवी को फॉलो करते करते ये लोग एक जगह पर पहुंच गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि हाउयुवी ने अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद सारी फॉग को हटा दिया था। फॉग के हटते साथ ही इन लोगों को अपने सामने एक अजीब तरह का टावर दिखाया जाता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसका प्रेशर इन सब लोगों पर पड़ने शुरू हो गया। सिर्फ हाउजिन और कैरन के अलावा कोई भी यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। लिंसुआन तो परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है। हाउजिन बेचारा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, जबकि हानियो जवाब देते हुए कहता है कि ये मुझे किसी तरह की डिमोनिक एनर्जी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक डीमन पिलर हो? जो सुनकर तो वो सब लोग ही सरप्राइज हो गए कि क्या डीमन पिलर, जिस पर लिंसुआन कहता है कि आखिर एक डिमोनिक पिलर अचानक हम लोगों के सामने इस तरह से कैसे आ सकता है, और अगर सोचो डीमोनिक पिलर हम लोगों के सामने आ भी गया तो फिर तो यहाँ पर एक डीमन गॉड भी होगा। जो सुनकर तो उन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउयुवी को इस डीमोनिक पिलर से काफी ज्यादा तकलीफ है, इसलिए वो उड़ते हुए तेजी के साथ डीमन पिलर के आसपास तेजी से घूमना शुरू हो गया, जो देखकर सैमी कहता है कि आखिर ये हाउयुवी कर क्या रहा है, कहीं इसका इरादा डीमोनिक पिलर पर हमला करने का तो नहीं है? जिस पर हानियो जवाब देते हुए कहता है कि आज से पहले कोई भी डीमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रन ग्रिफिन की तो यहाँ डीमोनिक पिलर्स के साथ पुरानी दुश्मनी है, इसी वजह से हाउयुवी को डीमोनिक पिलर देखते साथ ही गुस्सा आ गया, इसी वजह से वो अपने पांचों हेड की एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए फौरन से उस डीमोनिक पिलर पर हमला कर देता है, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फौरन से वो डीमोनिक पिलर डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो हाउजिन और उसके सारे ही दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर हाउयुवी ने ये कैसे कर दिया, उसने डीमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उन लोगों को खुशी भी हो रही थी, लेकिन उन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट पड़ने शुरू हो चुका था और इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा डीमन पिलर आ जाता है, जिसे देखकर हाउजिन समझ गया कि यही है असली डीमोनिक पिलर, पहले वाला तो बस सिर्फ एक डेमो था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।